इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पुणे के बारे में। डॉक्टर डीवाई पाटिल की अगर हम बात करें तो वैसे ये कॉलेज एमबीबीएस के लिए नोन है, बट ये एमबीए भी कराता है विच कम्स अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कैसा ऑप्शन है, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan and we'll talk about Dr. D.Y. Patil and isme hum inki Pimpri campus ke bare mein baat karne wale hain jo ki 1994 ka hai. Let me tell you about this college. Ye college ne abhi kuch saal pehle PGDM bhi start kiya hai, to main usko bhi discuss karungi, but specifically main is campus ke bare mein baat karne wali hu, which offers MBA into various streams, includes digital marketing, MCA karata hai, then uske baad you know agar hum baat kare to iske paas NAAC ka accreditation hai. Highlights dekh lete hain. 2004 का कॉलेज, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ना का एग्रीड अक्रेडिटेशन है, महाराष्ट्र सिटी के बेसिस पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेता है। देन अगर हम बात करें इस कॉलेज की रैंकिंग में, तो रैंकिंग को हटाते हुए हम कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देख लेते हैं, दैट इज बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, टीवीईटी कॉलेज मलेशिया, देन साउथ कोरिया में आईएमईआई के साथ कोलैबोरेशंस है। एमबीए प्रोग्राम्स में मेजर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स, माइनर में आप रूरल एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मा एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी 50% इन योर ग्रेजुएशन, देन आप कैट, जीमैट, सीमैट, इन किसी के थ्रू भी आप इनकी कैप की जो काउंसलिंग होती है उसमें अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, देन मेरिट लिस्ट आती है, कैप राउंड अलॉटमेंट एंड ऑल दैट, इसके बेसिस पे एडमिशन होता है। लेट मी टेल यू, अगर आप यूजुअली इस कॉलेज को वो बच्चे चाहते हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं और किसी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको वहां उसी स्टेट में, मतलब उसी यू नो स्टेट में कहीं ना कहीं डिग्री के लिए एमबीए करना होता है अगर वो इस कॉलेज को देख रहे हैं, राइट। पैरामीटर्स अगर हम बात करें तो ये 100% यू नो है, बट ये इसको आई थिंक उन्होंने 0.5 कर दिया है। ये मार्क्स एग्रीगेट, अटेंडेंस, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीजें पैरामीटर्स ऑफ वेटेज है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यू नो 1,15,000 है, डिजिटल मार्केटिंग का 63,000 है, ठीक है, अगर ये ओपन कैटेगरी के इसमें 14,000, फिर डेवलपमेंट फीस एंड 7,000 अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो डेवलपमेंट तो 1,30,000 जनरल कैटेगरी को पड़ता है अगर वो इन जनरल एमबीए करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में 70,000। सो अगर हम इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 53,000 का फीस स्ट्रक्चर है, ये दूसरी कैटेगरीज में भी 53,000 का है, और 14,000 डेवलपमेंट फीस, टोटल जो पड़ता है वो 72,000 दो साल का पड़ता है। देन अगर आप अदर कैटेगरी, दैट इज वीजे, एनटी, एसबीसी, एससी, एससी, तो इस केस में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सिर्फ डेवलपमेंट फीस लगती है, मतलब 14,000 में आपका कहीं ना कहीं हो जाता है। और ये एक रीजन है, स्पेशली जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो इन कॉलेजेस को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉलेज का बजट कम होता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यू नो अगर हम एवरेज की बात करें तो कॉलेज 4,00,000 का एवरेज स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में 6,00,000 का क्लेम कर रहा है, फाइनेंस में 5,00,000 का, विच इज थोड़ा सा कम ही है, इतना नहीं है। और इस कॉलेज के साथ क्या है, क्योंकि यू नो ये थोड़ा सा महाराष्ट्र लेवल का कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट नहीं है। इट्स लाइक मैंने देखा मेजोरिटी ऑफ बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे जो प्लेस, क्योंकि कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, ये कैप के थ्रू आ गए बच्चे, अगर आपका कॉम स्किल्स है नहीं है, आपने यू नो लेट्स से 80% टाइम स्कोर किया तो कैप के थ्रू इस कॉलेज को ले सकते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको ड्रॉबैक हो सकती है अगर आप सोच के जा रहे हो कि यार इस कॉलेज में यू नो ऑलमोस्ट मुझे 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये स्टेट लेवल के हिसाब से कॉलेज है। ये कॉलेज पीजीडीएम भी कराता है विच इज ऑटोनॉमस, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये स्टेट लेवल के बच्चे ज्यादा कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, 100% प्लेसमेंट नहीं है इसका, यू नो एवरेज पैकेज थोड़ा सा ऑन लोअर साइड है, 2,50,000 का भी पैकेज है, 3,00,000 का, क्योंकि फीस भी बहुत कम है, राइट। तो यू नो हमें कौन से दूसरे कॉलेजेस लेने चाहिए, यू नो वैसे हम सभी को पता है कि यू नो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे नोन कॉलेज है वो कहीं ना कहीं पुंबा है, बट पुंबा के बाद प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक फ्रॉम सिंगड़ आ जाता है, इंदिरा आ जाता है, रिम आ जाता है, डीवाई आ जाता है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो उन सभी कॉलेजेस में है तो राइट, रैंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको प्लेसमेंट अगर चाहिए तो हो सकता है ये कॉलेजेस आपको
स्पेसिफिकली उस हिसाब से डिसाइड करने पड़े, और उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में है आपके बजट के अंदर, बिकॉज उन कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप है, बट सिर्फ 2-3 कॉलेजेस हैं पूरे पुणे में जो स्कैप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देते हैं और जहां पे प्लेसमेंट है, तो आप वहीं पे जाएं। आप सिर्फ ये ना सोचे कि यार ये कॉलेज इतनी रैंकिंग में है तो मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, एक्सक्लूडिंग पुंबा, राइट? सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आप डॉक्टर डी वाई पाटिल में एमबीए करना चाहते हैं तो इनके और भी कैंपसेस है, सभी कैंपसेस में ये है कि ये थोड़ा सा जाना माना कैंपस है, बट प्लेसमेंट 100% आपको इस कॉलेज में नहीं मिल सकता है, राइट? एंड ये इनका अकेडमिक ईयर में प्लेसमेंट एनालिटिक्स है, राइट, विच आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग। कुछ नोटेबल एलुमनाय हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कविता जयशंकर, कोटक महिंद्रा बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, आदित्य शेखर चेयरमैन एमडी माइक्रो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देन रोहित जयसवाल अकाउंट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज सिंगापुर। ये ईयर वाइज उन्होंने अपने कॉलेज पुराना है, ईयर वाइज अपने एलुमनाइज मेंशन किए हैं 2003-05 के, आपको हो सकता है क्लियरली विजिबल नहीं हो इसलिए डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ अगर आप स्पेसिफिकली एलुमनाइज को देखना चाहते हो। श्रीजुत नायर वीपी मार्केटिंग ब्रांडिंग माई सीएफओ इंडिया, राइट? तो कई सारे कुछ अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स पे कॉलेज के एलुमनाय हैं। एलुमनाय नेटवर्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आने वाले स्टूडेंट्स को एक तो यू नो ब्रांड वैल्यू भी देता है, प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करता है। पर अगेन यू नो अगर हम इसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, डीमार्ट, लाइफ हेल्थ, बाइजूस, एचसीएल, एचएनआर ब्लॉक, ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं फैसिलिटीज में, राइट? ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, क्लासरूम, ये सारी फैसिलिटीज है जो कॉलेज ऑफर करता है। सो ये था वीडियो डी वाई पाटिल पे, जिसको मैं फिर वही कंक्लूड करूंगी, ये कॉलेज ज्यादा से ज्यादा वो स्टूडेंट्स देखते हैं जो महाराष्ट्र में, जो कैप के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, जिनका बजट ज्यादा नहीं है। बजट ज्यादा नहीं है तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा ऑप्शन है, बट इसके से ज्यादा बेटर ऑप्शंस भी आपकी लिस्ट में हो सकते हैं एज पर योर परसेंटाइल इन सीटी या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप उसके बारे में और चाहते हो। बिकॉज एमबीए में क्या होता है, प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन, बजट के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं, तो वो आप एक बार अपना प्रोफाइल एनालिसिस करा के चेक कर सकते हो। दिस वॉज अ वीडियो ऑन डॉक्टर डी वाई पाटिल। वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।